पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। साथियों, हमारे इन प्रयासों के बीच आपको बहुत सावधान भी रहना है, बहुत सतर्क भी रहना है। कांग्रेस को दिया गया हर एक वोट यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मैनिफेस्टो को लागू करेगा। और ये क्या घोषणा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये यहां आर्टिकल 370 को वापस लौटाएंगे, यानी ये खून खराबे के उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया आया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दूसरा
दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती।